हेलो एवरीवन, आज का इस वीडियो में मेरी एक फ्रेंड है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो सब सब कुछ शेयर कर रही है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और मैं इस वीडियो में बहुत सारे एक्सपीरियंस स्लेट पेंसिल के रिगार्डिंग अपलोड करती हूँ। अगर आपका भी स्लेट पेंसिल से के रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस है जिसको खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करूंगी ताकि और लोगों को नॉलेज हो सके कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप कितने समय से खा रहे हैं, कितने समय से आपको प्रॉब्लम हुई है, आप कितना झेले हैं और कितने समय से खा रहे हैं, आपको अगर प्रॉब्लम नहीं भी हुई है तो भी आप ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों का जो कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि इसको खाने से कितनी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं होती है, तो आपके साथ क्या हुआ, इसको खाने के बाद प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, ये सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट कर करिए ताकि हम बाकी और लोगों को आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सके, ताकि बहुत सारे लोगों को ये आपके जो कमेंट के से सहयोग मिल सके और आपका एक कमेंट ही वो लोगों को सपोर्ट और हेल्प मिल सकेगा समझने में। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इसमें बताया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है, क्या मतलब क्यों मन करता है, ये सारा कुछ इसमें डिटेल। एक बार जरूर इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मिट्टी खाने के क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अक्सर बच्चों में मिट्टी चौक आदि खाने की आदत देखी जाती है और कुछ बड़े लोग भी इस आदत से मजबूर होते हैं। वैसे बच्चे तो ना समझ होते हैं, इसीलिए जो भी दिखता है मुंह में डाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ों में ना मिट्टी खाने से पेट की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी गंभीर बीमारियों को आपको फेस करना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी लगती है मिट्टी खाने की तलब, तो हो सकती है आपको बीमारी जिसका नाम है पीका। और पीका एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसे पदार्थ को खाने की लालसा होती है दोस्तों, जो खाने लायक नहीं होते हैं। और अन्य कारण ये भी है कि ना, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें चटपटी चीजें और साथ ही मिट्टी खाने की तलब लगती है, जिस वजह से वो थोड़ी बहुत मिट्टी खा लेती हैं और बाद में इस आदत को छोड़ देती हैं। तो दोस्तों देखिए, मिट्टी खाने का चलन बहुत पुराना है। बड़े बड़े लोगों को, खास करके लड़कियों को, इसके खाने की तलब उठ जाती है। ज्यादातर लोग इसे आम बात समझकर भूल जाते हैं, मगर क्या आपको पता है आपके शरीर में खून की कमी समेत अन्य बीमारियों को दर्शाती है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी मिट्टी है या फिर दोस्तों चौक होता है जो लोग खाते हैं, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। मिट्टी बहुत प्रकार की खाई जाती है, जिनमें सबसे पहला है दोस्तों स्लेट पेंसिल या फिर स्लेट बार। जी हाँ, मिट्टी की फैक्ट्री में स्लेट बार को काटकर स्लेट पेंसिल बनाई जाती है। आजकल ये ऑनलाइन मिलती है और लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। प्राकृतिक स्लेट मिट्टी को तीन रंग देती है, जिसमें ना दोस्तों सफेद स्लेट बार, लाल स्लेट बार और ब्लैक स्लेट बार या फिर स्लेट पेंसिल होती है। और ना इसके अलावा नकुमत क्ले भी लोग खाते हैं। ये इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया की पसंदीदा खाने वाली मिट्टी होती है, क्योंकि घुलने में आसान होती है लेकिन पचने में बहुत मुश्किल होती है। इन सभी मिट्टियों को खाने के क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के आगे में जानेंगे। और इसके अलावा ना दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी को भी लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। ये मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है और भारत के लगभग हर शहर की दुकान पर आपको मुल्तानी मिट्टी आसानी से मिल जाती है। अधिकतर गर्भवती महिलाएं इसका सेवन करना बहुत पसंद करती हैं। और मुल्तानी मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है, जो आपकी आंतों को कमजोर बना देती है। ज्यादातर लोग इसे भुनकर खाते हैं। और ना दोस्तों, यही नहीं, रासायनिक चौक भी लोग जो है खाना पसंद करते हैं। ये एक प्रकार की क्ले है जो दिखने में एकदम सफेद होती है। रूस और उसके आसपास के इलाकों में इस क्ले को लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। और ना दोस्तों देखिए, क्ले पॉट भी लोग बहुत सारा खाते हैं। दरअसल देखिए दोस्तों, ये एक भुनी हुई मिट्टी है जिसको ना बर्तन का रूप दिया जाता है। ये मिट्टी भारत और साथ ही मेक्सिको में बहुत पसंद की जाती है। इतना ही नहीं, ये मिट्टी बहुत ही सख्त होती है, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर इस मिट्टी से पानी के घड़े बनाए जाते हैं। तो ऐसे में मैंने आपको जितने भी मिट्टी से बने हुए पदार्थों के बारे में बताया है, वो सब खाने से क्या नुकसान होते हैं, चलिए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला नुकसान है, आपको होती है सांस की तकलीफ। जी हाँ, तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी तरह का चौक खाते हो या फिर मिट्टी खाते हो, इसकी ज्यादा जो कूलिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से होता यह है कि ना दोस्तों, फूलर की मिट्टी सांस की तकलीफ का कारण बन सकती है।
यह विशेष रूप से तब होता है जब इसका इस्तेमाल छाती पर हाई टेम्परेचर के साथ साथ सनबर्न से छुटकारा पाने के लिए अगर आप जो है एक्सटर्नल तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका सेवन करते हैं, दोनों तरीके में आपको सांस की तकलीफ हो सकती है। ओके, इसके अलावा ना दोस्तों देखिए, गर्भावस्था के दौरान ना मुल्तानी मिट्टी खाना भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, ये कुछ गंभीर स्वास्थ्य और साथ ही पेट के मुद्दों का कारण बन सकती है। मतलब ये आपके आंतों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, ये ना बच्चे और साथ ही माँ को भी नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए दोस्तों जरूरी है कि ना चाहे आप गर्भवती हो या ना हो, मुल्तानी मिट्टी खाने से दूर रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मिट्टी खाने से ना दांतों के स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। मिट्टी खाने से एक आम साइड इफेक्ट ये होता है कि दोस्तों सबसे पहले तो जब आपने दोस्तों कठोर मिट्टी को चबाने की कोशिश करते हैं तो इसकी वजह से दांत जो है टूट भी सकते हैं और जबड़े की हड्डी पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और दोस्तों देखिए, जब आप मिट्टी को चबाते हैं ना तो इसकी वजह से आपके दांत कमजोर हो जाते हैं और होता यह है कि दोस्तों आपके दांतों में सड़न आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है और दांत और सती मसूड़े कमजोर होने की वजह से ये आपके दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए आप जो है सख्त मिट्टी खाने से या फिर किसी भी प्रकार के चौक या मिट्टी को खाने से बचिएगा। और इसके अलावा मिट्टी खाने का एक बड़ा नुकसान ये है कि ना पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब कि परजीवी संक्रमण होने का जोखिम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी होता यह है कि ना दोस्तों आपको फूड इन्फेक्शन, दस्त और सती डायरिया की प्रॉब्लम होती है और हाँ वॉमिटिंग्स होना भी मुमकिन होता है। इसीलिए दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आप जो है गंदी चीज खाएंगे जैसे कि मिट्टी तो आपको फूड इन्फेक्शन होगा ही। इसीलिए कोशिश करें कि दोस्तों आप जो है मिट्टी को किसी भी प्रकार में मत सेवन कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, पीका की वजह से ना पोषण की कमी भी हो सकती है, मतलब जब आपको मिट्टी खाने की लत लग जाती है तो इससे आपके बॉडी में ना न्यूट्रिएंट्स और साथ ही पोषण की कमी हो जाती है, जिससे कि पाचन क्रिया पर असर पड़ता है और साथ ही आपका वजन तेजी से कम होने लगता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप ज्यादा मात्रा में मिट्टी मत खाइएगा, हो सके तो आप इस आदत को छोड़ दीजिए। इसके बजाय आप हेल्दी चीजें खाएं, फ्रेश फ्रूट्स और साथ ही वेजिटेबल्स को खाने की कोशिश करें ताकि दोस्तों आपको मिट्टी खाने की तरफ से छुटकारा मिल जाए। और ना मैं आपको बता दूं, देखिए मिट्टी व अन्य गैर खाद्य पदार्थ में मौजूद लेड और साथ ही अन्य विषाक्त पदार्थों को खाने से ना आपके शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है, मतलब कि टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से लोगों को ना किसी भी चीज को समझने में मुश्किल होती है, मतलब कि इसका सीधा असर उनके दिमाग के ऊपर पड़ता है और मस्तिष्क शक्तिग्रस्त होने की संभावनाएं भी अधिक होती है। इसकी वजह से आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि दोस्तों देखिए, जब आपका जो दिमाग होता है वो काम नहीं करेगा तो इसकी वजह से ना आपको काम करने में तकलीफ होगी, चीजों को याद रखने में तकलीफ होगी और साथ ही आप स्मार्ट तरीके से किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपको चाहिए कि ना आप गैर खाद्य पदार्थ के साथ ही मिट्टी व चौक को खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो इसकी वजह से आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी के साथ जब आप पत्थर जैसे बिना पचाने वाली चीजों का सेवन करते हैं ना तो इससे आंतों में रुकावट आ जाती है। इस वजह से ना आपको कब्ज की प्रॉब्लम होती है, ना सिर्फ कब्ज बल्कि पेट में भी दर्द की समस्या पैदा हो जाती है। मिट्टी के साथ नुकीली चीज खाना आहार नली और स्थिति जो आपकी आंतें होती है उसकी परत के कटने की वजह भी बन सकती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा लीवर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में दोस्तों होता यह है कि ना आपके शरीर में सूजन भी आने लगती है। इसके अलावा भूख लगना या तो बंद हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आप नहीं चाहते आपका पेट खराब हो या फिर आपके आंतों को कोई प्रॉब्लम हो या फिर लीवर खराब हो तो इसके लिए आप चौक खाना या फिर मिट्टी खाना बंद कर दीजिए। और ना होता यह है कि मिट्टी जो है पेट में जाकर पचती नहीं है तो इसकी वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं। आप जो भी खाना खाएंगे ना दोस्तों वो कीड़े खा जाएंगे। इससे होता यह है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप मिट्टी ना खाएं ताकि दोस्तों आपके पेट में कीड़े होने से आप बच सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मिट्टी पानी के अंदर घुलती नहीं है और इसके कंकर धीरे धीरे किडनी स्टोन में बदल जाते हैं। मतलब कि देखिए, जब आप ज्यादा मात्रा में मिट्टी का सेवन करते हैं, रोजाना बहुत सारी मिट्टी खाते हैं तो इसकी वजह से ना आपको किडनी स्टोन होना तो लाजमी है ही। इसीलिए आप कोशिश करें कि मिट्टी या फिर जो भी आप खाते हैं चौक या फिर दूसरी चीजें जो कि गैर खाद्य पदार्थ हो तो आप उसे खाने से
से बचेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन कम होने से ना खून में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, इस वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। ऐसे में जब आप रोजाना मिट्टी खाते हैं या फिर चौक का सेवन करते हैं ना, तो इसकी वजह से आपको एनीमिया मतलब कि शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, ये थे स्लेट पेंसिल, चौक या फिर किसी भी तरह की मिट्टी को खाने के नुकसान। इसीलिए आप इन बातों को ध्यान में रखिए, अगर आप इन चीजों को खाते हैं तो इन चीजों को खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम्स बताए हैं वो आपको हो सकते हैं। इसीलिए इनसे दूर रहें और अपने आप को हमेशा हेल्दी बनाए रखें।